चलिए देखते हैं पिक्सल एक्सटेंडेड 4.0 एंड्रॉयड 12 का रिव्यू पोको एक्स 2 पे। तो बढ़ते हैं अबाउट फोन पर। सबसे पहले QS में देखिए, इसमें आपको मग एक्सेस और कैमरा एक्सेस मिलता है, तो यहाँ से इसे आप लॉक कर सकते हैं। देखिए आगे इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, देखिए 60 Hz, 90 Hz और 120 Hz। फिर नीचे आपको CVC मोड और HBO मोड मिलता है, तो इसमें आप CVC मोड को लो, मीडियम या हाई कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं, और HBO मोड को ऑफ, मीडियम या हाई कर सकते हैं। ऊपर आपको FPS काउंटर मिलता है, देखिए इसे ऑन करने पर आपको FPS दिखते हैं। अब बढ़ते हैं अबाउट फोन की ओर। देखिए अबाउट फोन में आपको एंड्रॉयड 12 मिलता है, देखिए एक्सटेंडेड वर्जन आपको 4.0 मिलता है। सिक्योरिटी अपडेट आपको डिसम्बर की मिलती है और कर्नल आपको रेडिकल कर्नल 3.1 मिलता है। अब बढ़ते हैं कस्टमाइजेशन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको स्नो हाउस मिलता है, इसमें आपको सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं। तो थोड़ा 12 में आपको आइटम मिलते हैं, नीचे आपको 4G आइकॉन, वोल्ट आइकॉन, सेलेक्ट वोल्ट आइकॉन, VFI आइकॉन, डबल टू स्लीप ये सब मिलता है। क्लॉक में आपको क्लॉक ऑप्शन मिलते हैं, तो इसमें आपको क्लॉक एंड डेट, क्लॉक पोजिशन, AM/PM स्टाइल, 6 सेकेंड्स, डेट में आपको डेट स्टाइल, डेट फॉर्मेट और डेट पोजिशन मिलता है। बैटरी में आपको बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज, बैटरी एस्टिमेट सब मिलता है। QS में आपको वायरलेस ऑन टच, क्विक QS पुल डाउन, ब्राइटनेस कंट्रोल ऐसा मिलता है। नीचे आपको शो ब्राइटनेस स्लाइडर, अडैप्ट टू ब्राइटनेस बटन ऐसा मिलता है। लॉक स्क्रीन में आपको डबल डेट स्लीप, शो मीडिया कवर आर्ट, मीडिया आर्ट ब्लर लेवल और चार्जिंग इन्फो मिलता है। सिस्टम में आपको नया वर्क स्टेशन मिलता है, तो इसमें आपको स्वाइप असिस्टेंट, लेफ्ट एज राइट एज, हैप्टिक फीडबैक और लास्ट में आपको फुल स्क्रीन एक्शन मिलता है। फिर नीचे आपको इन कॉल ऑपरेशन मिलता है, मिसलेनियस में आपको अननोन नोटिफिकेशंस और वेकन प्लग मिलता है। हार्डवेयर में आपको एडवांस रिस्टार्ट, स्क्रीन ऑफ टॉर्च, वॉल्यूम बटन में आपको प्लेबैक कंट्रोल, वॉल्यूम और वेक, और फिंगरप्रिंट में आपको फिंगरप्रिंट ऑपरेशन और लास्ट में आपको फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन मिलता है। बैटरी में तो इसमें आपको बैटरी सेवर मिलता है, बैटरी सेवर में आपको ये मिलता है मतलब एक्सट्रीम बैटरी सेवर। इसकी बैटरी लाइफ एवरेज है, मुझे अराउंड 6 आवर्स ग्राउंड टाइम मिला। डिस्प्ले में तो इसमें आपको लॉक स्क्रीन मिलता है, लॉक स्क्रीन में आपको प्राइवेसी, एटलेस लॉक स्क्रीन, शो वॉलेट, शो डिवाइस कंट्रोल, विंडो शो में आपको ऑलवेज शो, टर्न इन्फो, लेफ्ट चेक फोन और लास्ट में आपको बिग स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन मिलता है। फिर नीचे आपको डार्क थीम फॉन्ट साइज मिलता है, नीचे आपको डबल टू वेक, डिवाइस सेटिंग में आपको रिफ्रेश रेट और पेज सेल लॉन्च मिलता है, और नीचे आपको LCD फीचर्स में HBO मोड और CVC मोड मिलता है। देखिए वॉलपेपर में तो इसमें आपको चेंज वॉलपेपर, वॉलपेपर कलर, बेसिक कलर ऐसे मिलता है, नीचे आपको डार्क थीम, थीम आइकॉन्स और लास्ट में आपको अपग्रेड मिलता है। सिस्टम में तो इसमें आपको लाइव ट्रांसलेट मिलता है। देखिए जेस्चर्स में तो यहाँ पे आपको क्विक लॉक मिलता कैमरा, नेविगेशन, वन हैंड मोड, लिफ्ट चेक फोन, प्रेस और पावर बटन, ड्राइविंग स्क्रीन शॉट, प्रिवेंट रिंगिंग और लास्ट में आपको डबल डोर चेक फोन मिलता है। रिसेंट्स में तो यहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट और सिलेक्ट मिलता है। चलिए देखते हैं इस मैंडेट स्कोर क्या मिलता है। तो स्कोर है 3,49,149। चलिए देखते हैं इसमें गिग बिन स्कोर क्या मिलता है। तो स्कोर है 508 सिंगल कोर के लिए और 1554 मल्टी कोर के लिए। सेफ्टी नेट और रन टेस्ट देखिए पास्ट है DR इन्फो में, और नीचे देखिए L1 काम कर रहा है, प्ले स्टोर में और सेटिंग्स में, अबाउट सेक्शन में और नीचे देखिए डिवाइस सर्टिफाइड है। चलिए इस रोम की CPU डॉट लिंक देखते हैं। देखिए इसमें आपको CPU डॉट लिंक 0 मिलते हैं, मतलब नो CPU डॉट लिंक, और आप ग्राफ को देख सकते हैं, और मैक्सिमम आपको 3160 मिली एम्पीयर का स्पीड मिलता है। इस रोम में आपको स्टॉक कैमरा ही मिलता है, मतलब बेसिक कैमरा। देखिए पर ऑफकोर्स आप GKN का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए और एक काम करता है, ये रोम काफी स्मूथ है, मैंने इस रोम में कोई मेजर बग नोटिस नहीं किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।